हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो रेसिपी फ्रेंड्स मसाला खिचड़ी के ऊपर है कि जो कि एक ही बर्तन में बहुत ही आसान ट्रिक से बन जाती है। इसे घर में बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं एक बॉल के मैंने राइस लिया हूँ फ्रेंड्स, और एक बॉल तुअर दाल लिया हूँ, और उसमें आपके पास धुली मूँग दाल हो तो एक कटोरी आप उसे भी डाल देना। इससे क्या है होगा कि तीनों को मिक्स करके इसको फ्रेंड्स अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसमें आपको हल्का सा वाटर ऐड करना है, और देख सकते हैं अच्छी तरीके से उसको धो लेना है फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें मतलब जो भी डस्ट हो या जो भी गंदगी हो वो अच्छी तरीके से निकल जाए। तो आपको उसमें वाटर ऐड कर लेना है ठंडा वाला, और इसको अच्छी तरीके से आपको हाथों से थोड़ा एक दो पानी से इसको अच्छी तरीके से धो लेना है, जिससे कि आपको समझते ही हैं इसकी जो भी गंदगी हो साफ़ हो जाए, मिट्टी अट्टी हो वो भी घुल जाए। तो अपन जो इतनी मस्त चीज़ बना रहे फ्रेंड्स, तो उसको साफ़ सुथरे ढंग से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको दो तीन पानी से मैंने धुल दिया हूँ, और फ्रेंड्स को धुलने के बाद इसमें आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा पानी और ऐड करके इसको कम से कम रेस्ट छोड़ देना है 15 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। और जब तक ये अपना फूल रहा है, जब तक अपन तड़के की तैयारी कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हैं कॉलीफ्लावर जो कि मैंने काट लिया हूँ, और कैरेट भी आ गया है, और कुछ मैंने इसमें बटेटो भी डाला था, रो बटेटो, और बीन्स जो कि आपकी मनपसंद की जो भी वेजिटेबल फ्रेंड इसमें आपको ऐड कर देना है, या अपने ग्रीन पीस, आपको जौन सी भी सब्जी पसंद है आप उसको उसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। और कुछ कटिंग मैंने रेडी करा हूँ, देख सकते हैं ऑनियन है, टमाटो है, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक, जिंजर है चॉप वाला, तो आप देख सकते हैं आप जितनी क्वान्टिटी बनाए उसके हिसाब से आपको काट लेना है। और आप देख सकते हैं फाइनली 15 मिनट इसको अच्छी तरीके से अपने रखे फ्रेंड्स, तो 15 मिनट इसको रेस्ट में रख लिए थे, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फूल चुका है अच्छी तरीके से। और अब फूलने के बाद तो पता है कि बहुत ही स्मूथ और बिल्कुल अच्छा बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मारते हैं तड़का। तड़के में बहुत ही आसान है इसका तड़का मारना, जो कि आप देख पाओगे 1 टीस्पून इसमें फ्रेंड्स घी डाला हूँ, और घी जल ना जाए इसलिए इसमें थोड़ा 1 टीस्पून करीब इसमें मैंने ऑयल डाला हूँ, ताकि इसका जो घी है जल ना जाए, ठीक है। तो फाइनली अपना ये घी और ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें अपन थोड़ा 1 टीस्पून जीरा डाला हूँ फ्रेंड्स, और ये अपना तेज पत्ता, और 2-3 ये खड़ी लाल मिर्च ऐड कर देना है आपको, और उसके बाद जो ऑनियन अपन ने बारीक चॉप काटे थे फ्रेंड्स उसको ऐड कर देना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद आ गया अपना गार्लिक जो कि चॉप है, चॉप कर लेना आप भी, और जिंजर भी चॉप वाला है, और देख सकते हैं फाइनली अपनी आ गई ग्रीन चिल्ली। यदि आप लोग ऑनियन या गार्लिक जिंजर पसंद नहीं करते तो उसको अवॉइड कर देना, मत डालना फ्रेंड्स। और फाइनली अपन देख सकते हैं ऑनियन बढ़िया ब्राउन हो चुका है, उसके बाद अपन ऐड करेंगे इसमें टमाटो कटी हुई बारीक चॉप, उसके बाद अपन को इसमें जो तीखी वाली मिर्च ऐड करना है लाल वाली, उसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च को ऐड कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको उसको अच्छी तरीके से मिला लेना है थोड़ा सा पानी ऐड करके, और जो भी आपकी मनपसंद वेजिटेबल आपने जो काटा था उसको उसमें ऐड कर देना है, ताकि अच्छी तरीके से आपको मतलब जो चीज़ आपको पसंद है उसको ऐड करके आप बढ़िया से इसमें बना सकते हैं। और फाइनली आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद जो अपन ने राइस और दाल फुलाया था बहुत ही आसान और अच्छी तरीके से फूल चुका है, तो उसका मैंने पानी हटा दिया हूँ, और देख सकते हैं अपना एक साइड मसाला बढ़िया सा भुंज रहा है, और उसमें अपन को ऐड कर देना है जो कि अपन ने फुलाए थे दाल और चावल, इसमें थोड़ी सी धुली मूंग और मिल जाती तो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता। यदि आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कर लेना, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं कर पाया। और इसमें अपन को ऐड कर देना फ्रेंड्स पानी, ठीक है। तो मसाला खिचड़ी तो आपको पता ही है, ज़्यादा आप लोग खाते ही हैं घर में, तो थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है 2-3 सीटी इसमें मार लेना है फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पे, जो कि खिचड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मक्खन की तरह पक जाएगा। और जो जो दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को खटाखट सब्सक्राइब कर लेना, मैं इसी के अकॉर्डिंग बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनाते रहता हूँ आप लोग के लिए। और आप लोग की कोई राय है, कोई रेसिपी आपको सीखना है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने में कोशिश करूँगा आपके लिए वो वीडियो बना पाऊँ। और इसमें 2-3 सीटी आपको अच्छी से मार लेना है, उसके बाद फाइनली इसको खोलने के बाद देख पाओगे कि जो अपनी मसाला खिचड़ी देख सकते हैं थोड़ी थिकनेस है, इसमें थोड़ा सा अपन को गर्म पानी ऐड करना है, थोड़ा सा थोड़ा इसको मिला लेना अच्छी तरीके से, ताकि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पक गया है, देख सकते हैं हल्का सा इसको मैंने चलाया ना तो पूरा मेल्ट हो गया फ्रेंड्स। और इसको थोड़ा भी टाइट है, इसको थोड़ा अपन पतला कर देते हैं ताकि थोड़ा मज़ा आ जाए खाने में,
तो आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और मक्खन दर बना है। और ये रेसिपी फ्रेंड्स आप लोग को पता ही है, हर किसी को ये रेसिपी पसंद आती है, घर में मरीज हो या छोटे बच्चे हो, हर किसी को पसंद आता है। तो जो जो भी भाई मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और अभी सभी आप सभी भाइयों का बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पिछली बार वीडियो में मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरी जो वीडियो थी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने और बहुत ही ज़्यादा चली है। तो आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।